everyone. Now today we are going to start exercise 2.3 of chapter 2. Students, आज हम exercise 2.3 start करेंगे chapter 2 की जो page number 62 पर दी हुई है. So now let's start. Question 1. Write the correct number which has. Means students, आपको यहाँ जो places write है आपको इनके correct number, इनके correct place पे write करने हैं. स्टूडेंट्स हम यहाँ एग्जाम्पल समझेंगे, देन आपकी बुक की एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 आप सेल्फ सॉल्व करेंगे. सो नाउ लेट्स स्टार्ट एग्जाम्पल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल हम रीड करेंगे पहले. 4 एट द हंड्रेड प्लेस, 7 एट द वंस प्लेस, 2 एट द टेंस प्लेस. मीन्स 4 एट द हंड्रेड प्लेस मीन्स 4 आपको हंड्रेड प्लेस पे राइट करना है. तो यहाँ हंड्रेड प्लेस, यस दिस वन, 4 हमने हंड्रेड प्लेस पे राइट कर दिया. नाउ 7 एट द वंस प्लेस, 7 हमको वंस प्लेस पे राइट करना है. 7 हमने वंस प्लेस पे राइट कर दिया. नाउ 2 एट द टेंस प्लेस, 2 आपको टेंस प्लेस पे राइट करना है. टेंस प्लेस दिस वन, आपको 2 यहाँ राइट कर दिया. अब ये आपका क्या नंबर बना, 427. इस तरह आपको सही प्लेसेस पे सही नंबर राइट करने हैं. नाउ सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं. 3 एट द वंस प्लेस, 5 एट द हंड्रेड प्लेस, 2 एट द टेंस प्लेस. यस स्टूडेंट्स, 3 एट द वंस प्लेस, 3 आपको वंस प्लेस पर राइट करना है. वंस प्लेस, यस 3 हमने वंस प्लेस पर राइट कर दिया. 5 एट द हंड्रेड प्लेस, 5 को आपको हंड्रेड प्लेस पर राइट करना है. 5 हमने हंड्रेड प्लेस पर राइट कर दिया. नाउ 2 एट द टेंस प्लेस, 2 आपको टेंस प्लेस पे राइट करना है. दिस वन, तो 2 आपने टेंस प्लेस पे राइट कर दिया. नाउ नंबर क्या बना, 523. इसी तरह स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन नंबर 1 अपनी बुक में सेल्फ सॉल्व करेंगे. नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2. नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2. राइट द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइंड डिजिट्स. मीन्स स्टूडेंट्स अब आपको जो यहाँ डिजिट्स गिवन है, आपको जो ये अंडरलाइन डिजिट शो हो रही है, इनकी आपको प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू यहाँ राइट करनी है. स्टूडेंट्स सेम हम एग्जांपल्स यहाँ समझेंगे, देन आपको एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सेल्फ करना है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट फर्स्ट वन, 312. यस स्टूडेंट्स, प्लेस वैल्यू मीन्स आपको ये बताना है वंस प्लेस कौन सा है, टेंस प्लेस, हंड्रेड प्लेस, उसपे जो वैल्यू राइट है आपको वो राइट करनी है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट फर्स्ट 312. यस स्टूडेंट्स, अंडरलाइन कौन सी डिजिट पे है, यस 2 पर. तो आपको 2 की प्लेस वैल्यू बतानी है कौन सी है और फेस वैल्यू कौन सी है. स्टूडेंट्स मैं आपको प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू का एक एक एग्जांपल बता देती हूँ. प्लेस वैल्यू मीन्स जैसे प्लेसेस चेंज होना. मान लीजिए अभी 2 के नीचे अंडरलाइन है डिजिट, 3 पर भी हो सकती है और 1 पर भी हो सकती है, किसी के ऊपर भी हो सकती है, लेकिन आपको डिपेंड करता है आपको प्लेस राइट करना है कि वो कौन से प्लेस पर राइट है. इसी तरह फेस वैल्यू, फेस वैल्यू स्टूडेंट्स कभी चेंज नहीं होती, किसी भी डिजिट की फेस वैल्यू हमेशा सेम फेस वैल्यू सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती है, चाहे वो हंड्रेड प्लेस पे हो, चाहे 1 पे हो, चाहे 2 पर हो. तो आपको फेस वैल्यू सेम बतानी है. एज ए एग्जाम्पल स्टूडेंट, जैसे फेस हमारा कभी चेंज नहीं होता, फेस सेम रहता है. जैसे हम छोटे होते हैं तो भी हमारा फेस वही है, और हम बड़े हो जाएंगे तो भी हमारा फेस वही रहता है, फेस चेंज नहीं होता है. प्लेस चेंज हो सकता है, आज आप यहाँ सिट है, कल आप वहां सिट हो सकते हैं कॉर्नर में, या आप यहाँ कॉर्नर में सिट है. प्लेसेस चेंज हो सकते हैं, फेस वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है. सेम स्टार्ट करते हैं 312. 2 की प्लेस वैल्यू 2, 2 की प्लेस वैल्यू 2 वंस, 2 की प्लेस वैल्यू 2 ही रहेगी, या आप 2 भी राइट कर सकते हैं. और फेस वैल्यू नेवर चेंज, फेस वैल्यू सेम यही रहेगी, चेंज नहीं होगी, 2 की फेस वैल्यू 2 ही रहेगी. नाउ सेकंड 923. अंडरलाइन 9 डिजिट पर है, 9 की प्लेस वैल्यू एक फेस वैल्यू बता रही है, 9 की प्लेस वैल्यू 100 डिजिट पर है. तो 9 HUNDRETS 100 ऐसे राइट कर सकते हैं. नाउ स्टूडेंट्स आप 900 भी राइट कर सकते हैं. 900 की प्लेस वैल्यू मीन्स 9 की प्लेस वैल्यू 900 या 900, इन दोनों में से आप कुछ भी राइट कर सकते हैं, ये होगी.
9 की फेस वैल्यू 9 ही रहेगी क्योंकि फेस वैल्यू चेंज नहीं होती है। सी 602। यस स्टूडेंट्स, अंडरलाइन 0 पर है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 0 की प्लेस वैल्यू एक फेस वैल्यू आपको बतानी है। 0 की प्लेस वैल्यू 0 tans, या आप 0 का 0 राइट भी कर सकते हो। एंड फेस वैल्यू चेंज नहीं होगी, 0 की 0 ही रहेगी। नाउ नेक्स्ट 931, 1 की आपको प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू बताना है। 1 का प्लेस वैल्यू 1 होगा, ओनली 1 वंस या ओनली 1 आप राइट कर सकते हैं। एंड फेस वैल्यू 1 की 1 ही रहेगी। स्टूडेंट्स, आप या तो इसमें भी राइट कर सकते हैं या आप डिजिट्स में, प्लेसेस में इसको इस तरह वैल्यू को शो कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, दोनों आपका करेक्ट है, आप इनमें से कोई भी एक वैल्यू राइट कर सकते हैं, सेम या तो हंड्रेड सेंस वंस की या आपको डिजिट्स जो राइट है उस अकॉर्डिंग राइट करना है। नाउ स्टूडेंट, फेस वैल्यू चेंज नहीं होगी। फेस वैल्यू 2 की 2, 9 की 9, 0 की 0 और 1 की 1 ही रहेगी। फेस वैल्यू चेंज नहीं होगी। प्लेसेस चेंज हो सकते हैं, 2 वंस, 900, 0 टेंस, 1 वंस, इस तरह आपको प्लेसेस यहाँ राइट करनी है प्लेस वैल्यू में। सो स्टूडेंट्स, आई होप एक्सरसाइज 2.3 आपको क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 एक्सरसाइज 2.3 का सेल्फ सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।